भारत सीआईआई यंग इंडियंस वाईआई द्वारा आयोजित वार्षिक G20 यंग एंटरप्रेन्योर्स अलायंस वाईईए शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन प्रेरणा, संवाद और सहयोग के असाधारण प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभूतपूर्व विचारों को जोड़ने, सहयोग करने और आदान प्रदान करने के लिए 40 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को एक साथ लाता है। सीखने के व्यापक अवसर प्रदान करने, नेटवर्किंग को बढ़ावा देने और ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने की प्राथमिक उद्देश्य के साथ शिखर सम्मेलन अगली पीढ़ी के व्यापारिक नेताओं को सशक्त बनाने और एक उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के लिए एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। उद्घाटन दिवस की गति को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दिन विभिन्न क्षेत्रों के वक्ताओं की विशिष्ट लाइनअप के साथ विचार रोचक पैनल चर्चाएं हुई। इन सम्मानित व्यक्तियों में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और महिला एवं बाल मंत्रालय में कार्यरत स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन में विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक ट्रैक शामिल किए गए जो उन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं जिनमें परिवर्तनकारी परिवर्तन की अपार संभावनाएं हैं। इन ट्रैकों में डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक पर चर्चा और विचार विमर्श, प्रौद्योगिकी और वित्त के अंतर संबंध की खोज शामिल है। जैसा सुबह हम लोग की बात हुई, ये समिट दुनिया में खाली 20 कंट्री नहीं बल्कि जितने कंट्री हैं वो सब से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आएँ, एक साथ बात करें, ट्रस्ट बिल्डिंग करें और उसको आगे लेके जाएं ट्रेड की तरफ। सो आइडिया इज़ कि हम लोग सब इसमें कोलैबोरेटिव ग्रोथ ऑफ ईच इकोनॉमी। समिट का फ्यूचर बहुत अच्छा है फ्यूचर इसके बाद, क्योंकि जितने लोग यहाँ आए हैं सब एक एजेंडा तहत आए हैं, एक एंटरप्रेन्योर्स एमओयूज जो हम लोग लास्ट में साइन करेंगे जिसमें कई कंट्रीज़ के बायलैटरल अग्रीमेंट्स एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे। इसके अलावा हम लोग ने एक कम्युनिकेट ड्राफ्ट किया है जो एक पॉलिसी एडवोकेसी डॉक्यूमेंट है। हम लोग देखते हैं कि कोशिश करेंगे कि हर G20 नेशंस और जितने इनवाइटेड गेस्ट नेशंस हैं उनके पॉलिसी टेबल तक ये डॉक्यूमेंट जाएं और इसमें से हमारा जो सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट्स उसमें ध्यान दें। आई एम दिलीप कृष्णा, आई एम द नेशनल चेयरमैन फॉर यंग इंडियंस CII. दिस समिट वर्क्स ऑन 5 इम्पॉर्टेंट ट्रैक्स विच इज ऑन टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, एग्री टेक, लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल इकोनॉमी and inclusion and equal opportunity. Prime Minister speaks a lot about Nari Shakti. So that's where this summit, we started our summit with the first topic, which is inclusion and equal opportunity. And Madam Smriti Irani, who is a voice for the women, came and spoke about how inclusion is very important and how women entrepreneurship is going to scale the growth of the country. The exhibition thing you're talking about, the exhibition, it's called the InnoFest. In the InnoFest, what we have brought in is we have brought young entrepreneurs, young innovations from across the country to come and showcase their prototype here. So that today we have leaders from 25 plus nations today. These are young entrepreneurs and professionals from 25 plus nations. And these are not just individuals, but these are individuals who are heading entrepreneurship forums in their respective countries, which means these InnoFest is not about impacting the just that individual, but they are going to be the carrying the message back to their country to the entrepreneurship forum, so which opens up a huge area, a huge opportunity for this innovations to scale. In BCN News ke liye, संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।